अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपने अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। काफ़ी दिनों बाद मैं एक छोटा सा ब्लॉग लेके आई हूँ। आई नो कि मैं बीच में गायब हो जाती हूँ, तो इंस्टा पे भी मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं कि आप दो वीडियो डालते हो और फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हो। एंड कुछ सिस्टर्स का तो मैसेज आता है कि आई मिस योर ट्यूटोरियल्स वगैरह। तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि वो क्या कहते हैं BTS बिहाइंड द सीन और कैमरा जो भी है, वो बहुत कुछ चल रहा है। एक्चुअली मेरी स्टडीज़ है और मैं पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ, तो वो सब करने के बाद ना फिर वो एनर्जी नहीं रहती कि फिर वीडियो बनाओ और फिर जो है उसको अपलोड करो, एडिट करो। तो वही सब चीज़ें हैं। तो राइट नाउ जितना मुझसे हो पा रहा है मैं उतना कर रही हूँ एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ठीक है, वैसे आज का टाइटल देख के तो आपको पता ही चल गया होगा कि ब्लॉग किस बारे में होने वाला है। कुछ बातें ना मैं शेयर करना चाहती हूँ। 18th of October को मेरा बर्थडे होता है और 19th of October को ना मेरी दादी का इंतकाल हो गया था। 2014 की बात है ये। और तो मुझे ना तब से लेके ये है कि जब भी मेरा बर्थडे का टाइम आता है ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि यार मतलब 18 को तो है और फिर नेक्स्ट डे जो है ये वाला दिन है, तो मुझे ना ये सोच के बहुत ही एंग्जाइटी सा फील होता है। हुआ यूँ था ना कि उनके इंतकाल से कुछ टाइम पहले मेरे अबू जो है वो हमारे घर लेके आए थे। हमारे घर इन द सेंस कि हम सिटी में रहते हैं और दादी और बड़े अम्मी लोग जो है वो मतलब पुराने घर में रहते हैं, गांव में रहते हैं। हमारे घर से थोड़ी दूर है, ज़्यादा नहीं, आधे घंटे का रास्ता ऐसे ही है। ठीक है, तो मेरे फादर जो है ना वो हमारे घर लेके आ गए थे, कुछ टेस्ट वगैरह करवाने थे दादी के, क्योंकि वो काफ़ी बीमार थी, मतलब रहती थी और एज भी काफ़ी हो गया था ना, तो इस वजह से तो कुछ टेस्ट वगैरह करवाने थे। तो वो हम 2-4 दिनों के लिए हमारे घर में आई हुई थी। तो वो टाइम मुझे मतलब बहुत याद है, बहुत अच्छे से गुजरा था हमारा। एंड हम है ना बहुत क्लोज होते हैं, तो फिर बाद में लगता है कि मतलब यार क्या हो गया। तो फिर ना 2 दिन रहने के बाद वो कहने लगी कि उनको अपने घर जाना है, क्योंकि हमें पता ही है कि बुज़ुर्ग लोगों का ये होता है, अपना घर ही उनको अच्छा लगता है, उनका जहाँ पे उन्होंने इतना टाइम स्पेंड करा हुआ होता है। तो फिर अबू ने काफ़ी रोकने की कोशिश की, हमने भी काफ़ी वो किया, लेकिन उनको जाना ही था। तो फिर मतलब हमने दादी को घर मतलब छोड़ाए थे। तो हम जाना आना कर रहे थे क्योंकि बीमार है, तो फिर होता है ना कि मतलब थोड़ी सी टेंशन होती है। तो अबू और अम्मी तो मतलब जा रहे थे, आ रहे थे, बस ऐसे ही था। और हम लोग जो है भाई बहन वो भी हम लोग जा रहे थे, आ रहे थे, क्योंकि हमारे मतलब स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह थे, तो क्लासेस होती थी, तो फिर कितना मिस कर सकते थे, है ना। तो उस दिन क्या हुआ, 19th of October को दिन में हम जाके आए थे, ठीक है, और अम्मी अबू वहीं पे थे और मैं घर में ही थी, हमारे घर में थी, मतलब सिटी वाले घर में। और तो उस टाइम मैं अकेली थी, क्योंकि तो मैं पूछ रही थी बार बार अबू से के बार बार कॉल करके कि कैसा है, अब ये है वो है। तो फिर मैंने मतलब शाम को मैंने सोचा था कि मैं चली जाऊंगी कुछ टाइम बाद। तो फिर अराउंड 9 हाँ ऐसे 8-9 के बीच में मेरे फादर का अचानक से कॉल आता है और वो कहते हैं कि दादी का ऐसे इंतकाल हो गया है। तो वो रात जो है ना फिर मैं गई नहीं और मैं पूरी रात मतलब बहुत मैं रोई, बहुत बहुत मतलब वो था, क्योंकि लास्ट डेज हमने उनके साथ गुजारे थे, तो वो सब याद करके और वो बहुत मतलब क्या बताऊँ, मतलब सबके क्लोज़ होते हैं, दादा दादी जो नाना नानी सबके क्लोज़ होते हैं, तो वही सब। दादा का तो याद नहीं है क्योंकि हम काफ़ी छोटे थे उस टाइम का, दादा का इंतकाल हुआ था। और दादी काफ़ी क्लोज थी और ऐसे मतलब चले जाना तो थोड़ा सा मतलब डाइजेस्ट नहीं हुआ। उसके बाद से ना फिर मैं यहाँ पे मतलब स्टडीज़ के लिए जो है 2017 में आ गई थी। और तब से लेके ना, तो पहले तो मैं हॉस्टल में रुकी,
कुछ टाइम, और उसके बाद फिर मैं फ्लैट में शिफ्ट हो गई। तो जब घर में थी तब तो मतलब ये सब होता ही रहता था, दावत वगैरह। और जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना, तो मैंने यही सोचा कि मैं अब से ऐसा करूँगी, ठीक है, जो भी आप अभी व्लॉग में देखेंगे कि मैं ना ऐसे करूँगी, ठीक है। पहले पहले जब आई थी तो तब तो उतना ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाई थी, तो धीरे धीरे फिर मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर साल मैं ऐसे करती हूँ। ये है कि अब कुछ लोग जो है ना, वो शायद ये कह सकते हैं कि अच्छा आप ये दिखाने के लिए कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हाँ मैं कितना ये सब कर रही हूँ, तो वट एवर इट इज़। तो मैं बस उन लोगों से ना इतना ही कहूँगी कि मेरा बस इतना ही नियत है कि मेरा ये देख के ना, मैं ऐसे करती हूँ, ये तो मेरा जेन्युइन है, मैं ऐसे करती हूँ। जब मैं यूट्यूब में थी भी नहीं, जब मेरा ऐसे इंस्टा या फिर व्हाट्सएप वगैरह इतना मैं चलाती भी नहीं थी, तो मैं काफ़ी टाइम से ये सब कर रही हूँ, और मैंने ये सब कभी मतलब शेयर नहीं किया, कभी मैंने ऐसे पोस्ट नहीं किया ये सब, और मेरे घर वाले को पता है। बाकी वाले को तो मैं तब बताती भी नहीं हूँ, दिखाती भी नहीं हूँ। इस बार मैंने सोचा कि नहीं, मैं पोस्ट करूँगी और मैं लोगों को मतलब ऐसे शेयर करूँगी, बस ये सोच के कि अगर मुझसे मेरा ये वीडियो देख के, मेरा ये ब्लॉग देख के मतलब एक दो लोग भी इंस्पायर हो जाते हैं और मुझसे इन्फ्लुएंस होते हैं, और वो भी अपने लाइफ में ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने स्पेशल डे पे ऐसा करते हैं, तो है ना कितना अच्छा हो जाएगा, कितना मतलब किसी का कितना भला हो जाएगा। तो बस इतना ही है कि मेरा नियत जो है बहुत साफ़ है, और मैं ज़्यादा इसमें कोई ज्ञान ब्यान नहीं दूंगी, क्योंकि अल्लाह सब जानते हैं और इतना बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस इतना ही है कहना था। मेरे ना कुछ फ्रेंड्स को ये सब पता है, क्योंकि मैं उनको लेके जाती हूँ कभी कभार, एंड वो लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं इस चीज़ में, एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और ये नहीं कि बस बर्थडे हो गया और ये स्पेशल डे में, जब भी हमें मतलब टाइम मिलता है, जब भी हमें मौका मिलता है, तो हम ऐसे थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं, थोड़ा बहुत जितना हमसे हो सकता है हम उतना करते हैं। ये लास्ट में बस मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आप अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं वो भी शेयर कर सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो आप अपना फेवरेट कलर का हार्ट कॉमेंट में प्लीज़ दे देना, ठीक है। वो बस चलिए फिर आप ब्लॉग देखिए आगे कैसा है, मैंने क्या किया। तो ये है डे 18 का, फ्राइडे था उस दिन। तो मैंने जोहर की नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने अपना रेगुलर जो तस्बीह होता है उसको कंप्लीट किया, और फिर मैंने काफ़ी टाइम तिलावत करी। अच्छा, मेरे बर्थडे पे ना मैं सबके लिए दुआ करती हूँ। वैसे तो हमें सबके लिए हर रोज़ ही करना चाहिए, बट उस दिन ना मैं सबको याद कर कर के दुआ करती हूँ, स्पेशली मेरे अम्मी और अब्बू के लिए, कि अल्लाह उनको बहुत लंबी उम्र दे। उन्होंने मेरी परवरिश इतनी अच्छी की है ना, कि आई फील सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं उनकी बेटी हूँ। मुझे उनके लिए अभी बहुत कुछ करना है इंशाल्लाह। अल्लाह हम सब की दुआ कबूल फरमाए, आमीन। अच्छा, उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया था, तो फिर मैं किसी से मिलने गई थी, और ये है वो जिनसे मैं मिलने गई थी। इनका नाम ज़ारा है और शी इज़ सो प्रिटी, मतलब क्या बताऊँ। एक्चुअली ये मेरी एक फ्रेंड की तरफ से सरप्राइज़ था। शी नोज़ कि मुझे हॉर्सेस बहुत पसंद है, तो उसने सोचा ये डे अच्छा रहेगा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन नेहा। फिर मैंने एक छोटा सा राइड लिया और मुझे इतना अच्छा लगा था, क्योंकि पहली बार मैं किसी हॉर्स से इतना क्लोजली मिली थी। फिर घर आने के बाद केक और डिनर ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स लोग आए हुए थे, तो फिर हमने खाया पिया। अच्छा, तो नेक्स्ट डे हो गया है, और अब ये जो पार्ट आप देखेंगे ना, तो वही मैं अपने बर्थडे पे करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने 19 को करा, क्योंकि 18 को एक तो फ्राइडे था और मेरी फ्रेंड आती है थोड़ा सा हेल्प करने के लिए, तो इस बार नहीं हो पाया, तो हमने कहा कि कोई नहीं, हम नेक्स्ट डे कर लेंगे। तो मैं क्या करती हूँ ना, कुछ खाना बना के जितना मुझसे हो पाता है उतना बना के मैं ज़रूरतमंद लोगों को दे देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से ये सब अल्लाह का करम है, और मैं सोचती हूँ कि मैं एक बस ज़रिया हूँ उनका रिस्क उनके पास पहुँचाने तक का।
तो इस बार का प्लान है कि अंडा करी और पुलाव का। तो आप सब लोग देख ही रहे होंगे कि अंडा करी ऑलमोस्ट बन चुका है और बस ये लास्ट गार्निशिंग करके इसको मैं अभी ख़त्म करूँगी और उसके बाद मैं पुलाव बनाना स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर मैंने पुलाव बनाना स्टार्ट कर दिया था गाजर के साथ और सब डाल के मैंने दोनों साथ में कर रही थी दो कुकर में, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था, क्लासेस थी तो आते आते लेट हो गया। फिर मैंने बनाना स्टार्ट किया, बीच में नमाज वगैरह पढ़ना था तो वो भी कंप्लीट करके तो फाइनली हो गया था सब बनाना, और अल्हम्दुलिल्लाह से सब बहुत ही अच्छा बना था। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ये थोड़ा सा क्लीन कर लिया था मैंने फ्लोर, और फिर उसमें एक अच्छा सा फ्रेश बेडशीट डाल दिया और फिर उसके ऊपर मैंने ये सब लगा के और मैंने स्टार्ट किया उसको पैकिंग करना। फिर मैंने जल्दी जल्दी पैक किया क्योंकि शाम हो गया था, मतलब ऑलमोस्ट मगरिब का टाइम हो गया था, तो हमने सोचा कि मगरिब के बाद ही निकलेंगे। और फिर ना मैंने पानी भी ऑर्डर कर दिया था ये 10 वाला, और पता है मुझे लगा था कि काफ़ी लेट हो गया है तो मुझे कोई मिलेगा भी या नहीं, मतलब मिलेंगे लेकिन कुछ वेस्ट ना हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से सब हाथों हाथ चले गए। वो कहते हैं ना कि जिसका जो है वो पहुंच ही जाता है उसके पास, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे से हुआ। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग का फेवरेट कलर का हार्ट कमेंट करिएगा, ठीक है? बस ये रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं, बस थैंक यू सो मच। और वीडियो आप बाकी देख लीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।